हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी पॉइंट। मैं लवली भारद्वाज मेरे आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ डैंड्रफ के लिए एक हेयर मास्क। ये हेयर मास्क काफी इफेक्टिव है। अगर आपके हेयर में भी डैंड्रफ होने स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए, अभी से इसका केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज डैंड्रफ के कारण हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है, हमारे हेयर में और भी ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं जिससे हमारे हेयर में जुए आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे हेयर में बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और हमारे स्कैल्प में भी इचिंग होने लगती है। तो अगर आपके हेयर में भी डैंड्रफ होने स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको इग्नोर मत कीजिए, अभी से उसका केयर करना शुरू कर दीजिए। जब आप स्टार्टिंग में ही उसका केयर करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मेरे वीडियो में आज मैं जो हेयर मास्क बताने वाली हूँ बस दो इंग्रेडिएंट से बनने वाले और बहुत ही इजिली सबके घर में अवेलेबल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस हेयर मास्क को बनाना है, इसे अप्लाई कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर से प्रेस करना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस हेयर मास्क को बनाना है और इसे अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स, इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको बस दो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है योगर्ट यानी कि दही। दही को हल्का हल्का सा मैश कर लेना है, काफ़ी अच्छी दही है ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, इसके एक्स्ट्रा जो भी इसमें जूस होते हैं उसको निकाल देने हैं। अब हम इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। दही की क्वांटिटी आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा और कम ले सकते हैं, और आप जितना अगर दही ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें लेमन जूस भी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देना। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। फ्रेंड्स, तो हमारा हेयर मास्क बनके रेडी हो चुका है, अब आप इसे अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमने दही और लेमन जूस का इस्तेमाल किया। इन दोनों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपके हेयर में इन्फेक्शन की वजह से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई है तो ये उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर देगा। तो अब चलिए देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स, तो अब हम अपने बालों में हमारा हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को टैंगल फ्री कर लेना, अच्छे से कॉम कर लेना ताकि आपके बालों में कोई टैंगल ना रहे। उसके बाद हम अपने बालों में हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। आपकी हेयर की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने हेयर को दो या तीन पार्टिंग में डिवाइड कर लीजिए और छोटे छोटे सेक्शन लेके बालों में अप्लाई करना है इसे। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए हेयर ब्रश का भी यूज कर सकते हैं और अपने फिंगर से अगर कंफर्टेबल है तो फिंगर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हेयर ब्रश को यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हेयर की पार्टिंग कर लीजिए, उसके बाद इस मास्क को इसमें डिप कर लीजिए और इस तरह से लगा लीजिए। फिर इसको इस तरह से लगाते जाना है और बालों को उल्टा करते जाना है, जिधर से लगता जाता है उधर, और इस तरह से बाकी बचे हुए हेयर में फिर से अप्लाई कर लेना है। इस मास्क को हेयर की रूट में भी अप्लाई करनी है तो अब मैं अपने फिंगर के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपको लेने हैं और रूट की मसाज करते हुए, हेयर लेंथ की मसाज करते हुए इसे अप्लाई कर लेने हैं। इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन में बाल लेने हैं और उसमें अप्लाई करने हैं पहले इस हेयर मास्क को और फिर उसका मसाज करना है इस तरह से। फ्रेंड्स, हेयर में डैंड्रफ होने का वजह इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपके हेयर में अगर इन्फेक्शन हो गए, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गए तो आपके हेयर में एक्जिमा की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है, साथ ही आपके बाल की ग्रोथ बढ़नी बंद हो जाएगी। तो अगर आपके बालों में भी डैंड्रफ होने शुरू हो गए तो आप अभी से इस पैक को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाया जा सकता है, काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। अगर आप इसे एक बार इस्तेमाल करोगे तो ही आपको इसके बेनिफिट के बारे में पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा है ये हेयर मास्क, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।
मेरे बालों में कोई भी डैंड्रफ नहीं है बिकॉज मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ वीक में एक बार। आप भी इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, हमेशा के लिए डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। बस इसे वीक में 1 से 2 बार इस्तेमाल करते रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।